कांग्रेस जब अंग्रेजों से तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरेगी। पूर्व सांसद संजय निरुपम केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस की छवि को देश में खराब और बदनाम करने के लिए ही ईडी का सहारा लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गलत ढंग से फंसाने का काम कर रही है। इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। यह बात महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस की तरफ से संयुक्त तत्वाधान में मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर निकाले गए मोर्चे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुंबई कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कही। श्री निरुपम ने आगे अपने भाषण में यह भी कहा कि जब अंग्रेजों की शक्ति रूपी सूरज आग उगल रहा था तब भी कांग्रेस के सिपाही नहीं डरे और उनकी सैनिकों की गोली अपनी छाती पर झेलकर देश के लिए शहीद हो गए। आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज वही कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर भाजपा की सरकार को ललकार रही है। गत दिनों ईडी ने कांग्रेस के युवा पीढ़ी और हम सभी के नेता राहुल गांधी को अपना शिकार बनाया था, तब भी कांग्रेस ने यहां मोर्चा के माध्यम से केंद्र सरकार को चुनौती दी थी और आज सोनिया गांधी को ईडी ने बेवजह परेशान किया है। यदि भाजपा के नेताओं के घोटालों की सही जांच ईडी करे तो इनके कई नामी गिरामी नेता सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इनको तो केवल कांग्रेस और उसके नेताओं को निशाना बनाना है। ईडी की इस कार्रवाई को महाराष्ट्र कांग्रेस मुंबई कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने भारी बारिश में मोर्चा को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया के लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। मुंबई प्रभारी आशीष दुआ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री चंद्रकांत धनडोरे और मोहम्मद आरिफ नसीम खान, पूर्व मंत्री विधायिका वर्षा गायकवाड़, महाराष्ट्र कांग्रेस कोषाध्यक्ष अमरजीत मन्हास, महासचिव मुनाफ हकीम ठाकुर, यशवंत सिंह, मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व MLC अशोक भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश कुमार यादव, डॉक्टर दिनेश हेगड़े, महाराष्ट्र प्रवक्ता अरुण सावंत और सुरेश चंद्र राजहंस, मुंबई कांग्रेस कोषाध्यक्ष भूषण पाटिल, सह कोषाध्यक्ष अतुल बड़वे, प्रदेश प्रतिनिधि गोविंद नायर, महासचिव तुषार गायकवाड़, प्रेम बहादुर पप्पू सिंह, वसीम जावेद खान, अमित शेट्टी, संदीप शुक्ला, राजपति यादव, राम गोविंद यादव, एनके कामले, मुंबई महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव, संगीता हंडोरे, मुंबई कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुकुम राज मेहता, अब्राहम रॉय, मणि जगदीश अमीन, कालू बधेलिया, क्लाइव डायस, मुंबई कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सतीश मनचंता, अरुण सोनी, दक्षिण मध्य मुंबई जिला कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी, जिला अध्यक्ष सेवा दल नवीन कुमार सिलवंत, स्लम सेल जिला अध्यक्ष दीपक वाघ, उत्तर मध्य मुंबई जिला कार्याध्यक्ष सुभाष भाले राव, महिला जिला महासचिव संगीता भाले राव, मुंबई कांग्रेस रोजगार एवं स्वयं रोजगार सेल महासचिव डॉक्टर सत्तार खान, ईशान्य मुंबई महिला जिला अध्यक्ष रीना पाटिल, जिला सचिव गुलशन नवी खान, सुधाकर कामले, ब्लॉक अध्यक्ष मुरली पिल्लई, हरिश्चंद विचारे, ठाकुर विजय सिंह, वसंत कुमार, रवि रस्तोगी, मंगल सिंह, सुरेश शर्मा के अलावा थाने कल्याण, मीरा भाईंदर, भिवंडी, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस मोर्चे में शामिल हुए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुनाफ हकीम ने मोर्चा को कामयाब बनाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। नमस्कार, स्वागत है आपका CN न्यूज में। आपके साथ विकास गिरी। इसमें मुंबई ईडी कार्यालय के पास मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने एक बड़े घोटाले के मामले में नोटिस भेजा था। आज 21 तारीख है और पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इसमें क्या कुछ कहेंगे, आइए हम जानते हैं। या निमित्ताने सुरू झालेला है आणि म्हणून या सोनिया गांधीवर होणाऱ्या कारवाईच्या बद्दलचा हे निषेध रॅली आणि सोनिया गांधींना सपोर्ट करण्यासाठी काँग्रेस आणि सामान्य लोक रस्त्यावर आले। महागाईवर बोलत नाही,
देखो सोनिया गांधी जी के ऊपर जो हेतु पुरुष पर जो कार्रवाई की जा रही है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस और आम जनता आज रोड पे आई है। जो नेशनल हेराल्ड पेपर की बात करते हैं, नेशनल पेपर हेराल्ड पेपर ये हमारे आज़ादी की लड़ाई के एक मुख्य धारा थी। अंग्रेजों का अत्याचार के व्यवस्था के बारे में सामान्य लोगों तक बात पहुंचाने का किया जाता था। आज जो देश के ऊपर सत्ता में बैठे जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग सत्ता में बैठने के बाद वो जो भी आज़ादी की लड़ाई में जिनका इन्वॉल्व था उनको सबको उनका नामो निशान मिटाने का काम किया जा रहा है। देश बेच कर देश चलाने वाली जो सत्ता आज केंद्र में बैठी है वो केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है। और जो अग्निपथ जैसी योजना हो, जीवनावश्यक वस्तु के ऊपर GST हो, महंगाई हो, रुपया रोज गिरना हो, ये सब विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कर रही है। उसके विरोध में यह आंदोलन है। आता ही आरपार ची लड़ाई आहे, अत्याचाराचा अंत आता केंद्राच्या सत्तेचा होणार आहे, त्याच्या विरोधातली लढाई आहे। पोलिसांनी अडवा कोणी अडवा, आम्ही याला आंदोलनाला पूर्णत्वास नेऊ। आणि ही अत्याचारी व्यवस्था केंद्रामध्ये बसलेली आहे, तिने आता ही सगळी प्रक्रिया थांबवली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेसच्या लोकांची। देखिए ये ईडी का दमबाजी करके सब नेताओं को दहशत में लेने की जो कार्रवाई चल रही है, पहला उसका मैं निषेध करता हूँ। आप देखेंगे कि राहुल जी और सोनिया जी इनको पॉलिटिकली प्रेशर डाल के पार्टी को ख़त्म करने का प्लान इन्होंने रचा है, लेकिन वो पूरा नहीं होएगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में इसके विरोध में खड़ी रहेगी। हाँ, वो तो दुनिया देख रही है, साजिश ही है उसके पीछे। काम कर रही है कांग्रेस पार्टी का, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी मुंबई में और पूरे देश में विरोध कर रही है। लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग BJP कर रही है। सभी लोगों ने इस BJP की भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।